ऑलमोस्ट सारी आईटी कंपनीज में लास्ट 2 ईयर्स से वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, पर अब वो टाइम आ गया जिसमें कंपनीज अपने इम्प्लॉयज को रिटर्न टू ऑफिस के ईमेल सेंड कर रही हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वर्क फ्रॉम होम कम्प्लीटली खत्म हो रहा है, इसका मतलब ये है कि कंपनीज हाइब्रिड मॉडल की तरफ मूव कर रही हैं। एक सर्वे के अकॉर्डिंग हर 10 में से 8 इम्प्लॉयज वर्क फ्रॉम होम प्रेफर करते हैं वर्क फ्रॉम ऑफिस की जगह, और काफी सारे इम्प्लॉयज तो ऐसे हैं जो जॉब क्विट करने के लिए रेडी हैं अगर उन्हें ऑफिस जाना पड़ा तो। इसका मेन रीजन है वर्क लाइफ बैलेंस। लोगों को इस पेंडेमिक में अपने और अपने लव्ड वंस की वैल्यू रियलाइज हुई है। हाय एवरीवन, आज हम बात करेंगे इंडियन कंपनीज की रिटर्न टू ऑफिस पॉलिसीज के बारे में, वर्क फ्रॉम होम के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में, और लास्ट में बात करेंगे कि मैं क्या प्रेफर करता हूँ, वर्क फ्रॉम होम, हाइब्रिड मॉडल या रिटर्न टू ऑफिस। इसलिए वीडियो एंड तक जरूर देखना, अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो वीडियो लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब बात करते हैं रिटर्न टू ऑफिस पॉलिसीज के बारे में। TCS में अभी सिर्फ 8% इम्प्लॉयज हाइब्रिड मॉडल में काम कर रहे हैं, मतलब वो वीक में 2 या 3 दिन ऑफिस से काम करते हैं और बाकी दिन घर से, और वो 8% इम्प्लॉयज वो हैं जो सीनियर मोस्ट पोजीशंस होल्ड करते हैं TCS में। अब बात करते हैं SCL की रिटर्न टू ऑफिस पॉलिसी के बारे में। तो SCL इनकरेज कर रहे हैं अपने इम्प्लॉयज को वीक में 1 या 2 दिन ऑफिस आने के लिए, और एक्सेंचर में भी सिमिलर SCL जैसी पॉलिसी है, वो उन इम्प्लॉयज को इनकरेज कर रहे हैं ऑफिस आने के लिए जो ऑफिस लोकेशन के पास रहते हैं, ताकि वो वीक में 1 या 2 दिन ऑफिस आ सके और हाइब्रिड मॉडल फॉलो कर सके। और बाकी MNCs जैसे इन्फोसिस, विप्रो, उन सब में भी सिमिलर ही पॉलिसीज चल रही है, वो उन इम्प्लॉयज को इनकरेज कर रहे हैं जो ऑफिस लोकेशन के पास रहते हैं, ताकि वो 1 या 2 दिन वीक में ऑफिस आ सके और हाइब्रिड मॉडल फॉलो कर सके। पर कुछ स्टार्टअप्स ऐसे हैं जो डेली अपने इम्प्लॉयज को ऑफिस बुला रहे हैं, पर कंपनीज को ये बात सोचनी पड़ेगी कि हाइब्रिड मॉडल उन्हीं लोगों के लिए बेनिफिशियल है जो लोग ऑफिस लोकेशन के पास रहते हैं। जो इम्प्लॉयज ऑफिस लोकेशन से दूर अपने होम टाउन में काम कर रहे हैं, उनके लिए हाइब्रिड मॉडल फॉलो करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि वीक में सिर्फ 1 या 2 दिन ऑफिस जाने के लिए उन्हें एक हाउस रेंट पर लेना पड़ेगा ऑफिस लोकेशन के पास। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है हाइब्रिड मॉडल का इन इम्प्लॉयज के लिए जो लोग ऑफिस लोकेशन से दूर रहते हैं, पर ये सबसे बड़ा एडवांटेज है उन इम्प्लॉयज के लिए जो ऑफिस लोकेशन के पास रहते हैं। अब बात करते हैं वर्क फ्रॉम होम के एडवांटेजेस के बारे में। फर्स्ट एडवांटेज है कि इट सेव्स टाइम। तो मैं अपना एग्जांपल लेकर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मैं डेली 2.5 से 3 आवर्स सेव कर रहा हूँ वर्क फ्रॉम होम की वजह से, क्योंकि ट्रैवलिंग में मुझे डेली इतना टाइम लग जाता था, और ये टाइम जो सेव हो रहा है इससे काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें कर सकते हैं हम अपनी लाइफ में, जैसे डेली एक्सरसाइजेस कर सकते हैं फिट रहने के लिए, फैमिली के साथ टाइम भी स्पेंड कर सकते हैं। सेकेंड एडवांटेज है फ्लेक्सिबिलिटी। आप घर में कहीं पर भी बैठकर काम कर सकते हो, और अगर कुछ काम नहीं भी है तो ब्रेक ले सकते हो, पर ऑफिस में अगर आपके पास काम नहीं हो तो पूरा दिन आपको लैपटॉप देखना पड़ता है और प्रिटेंड करना पड़ता है कि आप काम कर रहे हो। थर्ड एडवांटेज है कि इट सेव्स मनी। अगर आपको आपकी कंपनी कैब प्रोवाइड नहीं कर रही तो डेली ट्रैवलिंग में आपके काफ़ी पैसे वेस्ट हो जाते हैं, इसलिए वर्क फ्रॉम होम की वजह से यहाँ आपके पैसे सेव हो रहे हैं। और ऑफिस में क्या होता है कि अगर आप अपना लंच लेकर भी गए हो तब भी डेली आपका कैफेटेरिया से कुछ ना कुछ खाने का मन कर जाता है, तो वर्क फ्रॉम होम की वजह से यहाँ भी पैसे सेव हो रहे हैं, प्लस जंक फूड का इंटेक भी कम हो रहा है। फोर्थ एडवांटेज है इंक्रीज अपॉर्चुनिटीज। तो ये भी मैं आपको अपने एग्जाम्पल लेकर एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मैं दिल्ली NCR के अलावा किसी दूसरी प्लेस में जाकर जॉब नहीं करना चाहता, तो मेनली अपॉर्चुनिटीज काफ़ी कम हो जाती है डिफरेंट कंपनीज में अप्लाई करने के लिए, पर अगर वर्क फ्रॉम होम होगा तो मैं किसी भी कंपनी में अप्लाई कर सकता हूँ, चाहे वो कंपनी किसी भी पार्ट में लोकेटेड क्यों ना हो वर्ल्ड के। फिफ्थ एडवांटेज है इन्वायरमेंटल फैक्टर। आप खुद सोचो, अगर हर कंपनी में डेली 90% लोग घर से काम करेंगे तो बाहर गाड़ियां कितनी कम चलेगी, जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन भी काफ़ी रिड्यूस हो जाएगी। अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। फर्स्ट डिसएडवांटेज है लैक ऑफ सोशल लाइफ। तो जब हम ऑफिस में होते हैं तो एक अलग कनेक्शन बन जाता है अपने कोलीग्स के साथ, और फिर उनके साथ हम कुछ भी डिस्कस कर सकते हैं, और सब इतने अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं कि वीकेंड्स में मिलते भी हैं और गेट टुगेदर भी होता है। पर वर्क फ्रॉम होम की वजह से सब अपनी होम लोकेशन से काम कर रहे हैं तो इतना किसी के साथ भी एंगेजमेंट नहीं हो पाता। सेकेंड डिसएडवांटेज है लैक ऑफ रिलायबिलिटी। इसमें सारे इंप्लॉयज मुझसे एग्री करेंगे, कभी कभी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है जो आपके किसी कोलीग को पता होती है, या कुछ काम ऐसा होता है जो उन पर पेंडिंग होता है, तो मोस्टली लोग क्या करते हैं कि MS Teams पर लेट रिप्लाई करेंगे या ईमेल्स पर भी लेट रिप्लाई करेंगे। पर अगर ऑफिस में हो तो ये सारी चीज़ें वो लोग नहीं कर पाते और उन्हें उसी टाइम ईमेल्स या मैसेजेस का रिप्लाई करना पड़ता है। और कुछ टास्क ऐसे होते हैं जो टीम में करने होते हैं, और अगर फिर एक भी एम्प्लॉय लेट रिप्लाई करे तो उसकी वजह से पूरी टीम को सफ़र करना पड़ता है। थर्ड डिसएडवांटेज है लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी। कभी कभी आपका इंटरनेट कनेक्शन ठीक नहीं होता, कभी कभी पावर कट होता है, कभी कभी कोई रिलेटिव आ जाता है घर में, और घर में अगर बच्चे हो तो बैकग्राउंड नॉइसेस बहुत होती है अगर कोई मीटिंग चल रही हो या कॉल्स चल रही हो, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है थोड़ी। अब बात करते हैं कि मैं क्या प्रेफर करता हूँ, वर्क फ्रॉम ऑफिस, वर्क फ्रॉम होम या हाइब्रिड मॉडल। मैं प्रेफर करता हूँ हाइब्रिड मॉडल या वर्क फ्रॉम होम, क्योंकि इसकी वजह से मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम सेव हो जाता है, जिससे मैं काफ़ी सारी अलग अलग चीज़ों में यूटिलाइज कर पाता हूँ, जैसे स्किल्स ग्रोथ हो गया, फिटनेस पर टाइम स्पेंड करना हो गया, या अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना हो गया, और काफ़ी सारी ऐसे छोटे छोटे टास्क होते हैं जिनमें कम टाइम लगता है जो वर्क फ्रॉम होम की वजह से पॉसिबल हो पाते हैं।
पता नहीं कब तक चलेगा ये मॉडल, पर मोस्टली एम्प्लॉयज ये मॉडल में काम करना प्रेफर करेंगे जहां तक मुझे लगता है। आपका क्या ओपिनियन है कमेंट्स में जरूर बताना। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।